क्लास, जैसे कि हम लोगों का टॉपिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन कंटिन्यू था और आज इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो मॉडर्न एजुकेशन की जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो किस तरह से आज के शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करती है और मॉडर्न एजुकेशन के तहत कौन कौन से वैसे एस्पेक्ट हैं कि जिन्हें आज हम अपने शिक्षा में अनुसरण कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में जानकारी मिली। आज फिर से उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चुनिंदा जो की पॉइंट्स हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो एक एक करके आइए चलते हैं कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। हम लोग देख सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है मॉडर्न एजुकेशन में, तो जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि बिना मॉडर्न एजुकेशन के हम अपना लाइफ स्टैंडर्ड को विकसित नहीं कर सकते हैं। बिना मॉरलिटी के हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं, चाहे हम कितना ही अच्छा संस्कार या अच्छा हम लोग शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर ले हों, अच्छी शिक्षा अच्छी जो शिक्षा है वो प्राप्त करने के बावजूद भी अगर हमारे में मॉरलिटी नहीं है, मॉरल एजुकेशन का नॉलेज नहीं है, एक दूसरे के व्यवहार के प्रति नॉलेज नहीं है, अपने संस्कार के बारे में अगर हम लोग को अवेयर नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में कामयाब होने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज के इस कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में, नैतिक शिक्षा बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट और की नोट्स के माध्यम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर एजुकेशन। कहा भी गया है कि जिसका चरित्र ऊंचा होता है वही जीवन में साकार होता है। ये कथन सत्य भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं कर पाए तभी तक हम लोगों का जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। और हम किसी भी कैरिकुलम की बात करते हैं, किसी भी पॉलिसीज की बात करती हैं, तो अक्सर देखते हैं कि सर्वांगीण विकास, तो ये सर्वांगीण विकास का ही एक एस्पेक्ट है चरित्र शिक्षा, यानी अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट। और ये जरूरी है, क्योंकि आज जितनी भी सोच है, जितनी भी विचार है, कहीं ना कहीं कैरेक्टर डेवलपमेंट में हम लोग देख पाते हैं अपनी सोसाइटी में इनकी कमी दिखती है। तो आज मॉडर्न एजुकेशन का ये बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग सभी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें और अपने कैरिकुलम और पॉलिसीज में इसे अनिवार्य रूप से लागू करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडीनेस टेस्टिंग, तत्परता परीक्षण। इसको हम आप लोगों की जो बीएड कैरिकुलम है उसी के संदर्भ में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि रेडीनेस, आप लोग जो भी कैरिकुलम आज के डेट में विकसित किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तत्परता के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे कि आप बीएड के ट्रेनीज हैं, अगर आप लोगों को सोशल के बारे में वर्क करने को कहा जाता है तो आप उसमें रेडीनेस दिखाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। इसके अलावे भी अगर आपको कहीं ना कहीं शिक्षा देने की बात आती है, आपको शिक्षा देने के लिए बोला जाता है, तो आप उसमें भी कहीं ना कहीं तत्परता दिखाते हैं। तो जो भी हम कैरिकुलम के हिसाब से जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सभी में अगर तत्परता हम नहीं दिखाएं तो वो आज के एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में तत्परता के एस्पेक्ट को, रेडीनेस के एस्पेक्ट को रखा गया है और ये कहीं ना कहीं किसी भी कैरिकुलम के लिए जरूरी है। आगे हम लोग देख सकते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, हम इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं स्वनिर्देशित शिक्षा। आज मॉडर्न एजुकेशन के एस्पेक्ट में
हम देख पा रहे हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग कितना जरूरी है, और हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग 70-80% स्वनिर्देशित शिक्षा आज के डेट में हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे बीच इतने सारे डेवलपमेंट के एरियाज विकसित हो गए हैं, हमारे बीच इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग आज मॉडर्न एजुकेशन के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। जैसे हम लोग किसी भी टॉपिक का अगर जानकारी लेना चाह रहे हैं और हमारे बीच ऐसा ट्रेनिंग की कोई सुविधा नहीं है, तो हम अपने कहीं ना कहीं ई लर्निंग के माध्यम से सब निर्देशित शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आज हम लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के दौर में, एजुकेशन के इस दौर में सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग बहुत ही जरूरी है। आगे हम लोग देख सकते हैं ग्लोबल व्यू, वैश्विक दृष्टिकोण, जिसका आप लोगों को सभी जो की नोट्स हैं उसके बारे में आप लोग अवेयर पहले ही हो चुके हैं कि आज के डेट में ग्लोबल जो दृष्टिकोण है, वैश्विक जो दृष्टिकोण है, वो कितना जरूरी है। और जो भी करिकुलम आज हम लोग जितने भी आज जो भी शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वैश्विकता की ओर हम लोग वो शिक्षा ले रहे हैं, ताकि हम लोग अपने आप को यूनिवर्सलाइजेशन स्थापित कर सकें। सार्वभौमिक अगर बनना है तो अपने में ग्लोबल दृष्टिकोण लाना होगा, और ये तब आएगा जब हम अपने पॉलिसीज में, हम अपने कैरिकुलम में, हम अपने सिलेबस में ग्लोबल व्यू का कॉन्सेप्ट रखेंगे, तभी हमारे बीच भी वैश्विक दृष्टिकोण की जो अलग है वो जागृत होगी। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छा से मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को समझ लिए होंगे, और इसके जितने भी वीडियो के पार्ट्स हैं, आप लोग, हम चाहेंगे कि अगर आप लोग अच्छे से उसको नहीं देखे हैं तो फिर से आप लोग देखने का प्रयास करें, और आज वो और इस बात को समझने का प्रयास करें कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से क्या हमें मिल रही है और हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ इतना ही, और ये टॉपिक भी आज हम लोगों का समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।